नमस्कार, YouTube ज्ञान साझा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कर्म संस्थान जो कि एक बंगाली न्यूज़पेपर के द्वारा मैं आज आपके समक्ष इस वीडियो में यह बतलाने वाला हूं कि जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी पश्चिम बंगाल में भर्ती निकलने वाली है उससे संबंधित मैं आपको चर्चा करने वाला हूँ। पहला मैं यह करूँगा कि परीक्षा कब होगी, दूसरी यह है कि उसके पहले फॉर्म कब आएगी, तीसरा यह है कि इस बार की सिलेबस कैसी होगी। ये तीन विषयों पर मैं बात करूँगा। तो पहले मैं आप लोगों को बताने के पहले, अगर मेरे चैनल में सब आप प्रथम आए हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे, और अच्छा लगेगा तो जरूर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मैं पहला यह कहने वाला हूं दोस्तों कि जैसे कि स्कूल सर्विस कमीशन SLST परीक्षा, यहाँ पर जो न्यूज है लिखा हुआ, शिक्षागत योग्यता प्राप्त नंबर विभाजन ताक्षिणा। तो मैं आप लोगों को जो पहला प्रश्न मेरा जो है आप लोगों के समक्ष रखा था कि पहला फॉर्म कब आएगी, तो जो फॉर्म आने की संभावना बन रही है ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है आपका नवंबर महीना तक आ जाएगी, नवंबर महीना इस साल आ जाएगी। और इसकी दूसरी जो प्रश्न जो मैंने कहा आप लोगों के सामने कि इस कब आपका एग्ज़ाम होगा, तो मार्च महीना में लगभग आपका एग्ज़ाम होने की संभावना बन रही है। और तीसरा यह है सिलेबस को लेकर, तो तीन सिलेबस यह है कि आपका पहले जो होता था सिलेबस में कि आपका एकेडमिक स्कोर के हिसाब से आपको सेलेक्ट किया जाता था और इसके साथ एग्ज़ाम भी होता था, लेकिन अब क्या है कि केवल एग्ज़ाम होगा और आपका एग्ज़ाम बेस पर ही आपका मेरिट तय होगा। जी हाँ, आप जो सुन रहे हैं कि जो सिलेबस के अनुसार जो नया बन रहा है उसमें केवल एग्ज़ाम ही होगा, और एग्ज़ाम के साथ आपका साथ में साथ आपका इंटरव्यू भी रखा गया है जिसमें आपको पढ़ाने के लिए और आपका पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो होगा, और होने के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा। तो इसमें एग्ज़ाम जो किया जाएगा आपका दो भागों में बांटा जाएगा, एक प्रीम और दूसरा मेंस। प्री जो है केवल क्वालिफाई नेचर है, इसमें जो पास कर जाएंगे तो ही वो अभ्यर्थी मेंस में बैठ सकते हैं, और मेंस में जो पास करेंगे उसके बाद आपको इंटरव्यू में आप जाइएगा, और मेंस और इंटरव्यू दोनों का नंबर जोड़कर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा। तो इसमें आप लोगों को यह बतलाना था। अब ये जो कितना सच है मैं आप लोगों को बतला दे रहा हूँ, ये जो न्यूज कटिंग आपके समक्ष मैं दिखा रहा हूँ ये कर्मो संस्थान के द्वारा न्यूज कटिंग है, आज ही के डेट पर आया हुआ है, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कैबिनेट के द्वारा प्रस्ताव की मंजूरी दे दी गई है, केवल उसका राज्यपाल के द्वारा गजट पत्र निकाला जाएगा जिसमें आपकी शिक्षागत योग्यता, पेशागत योग्यता, पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य सारे विवरण आपको देखने को मिलेंगे, और उसके बाद नवंबर महीना में फॉर्म आने की पूरी संभावना है, और उसके बाद आपका क्या है कि अब मार्च तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगी। तो यह चीज़ मैं आप लोगों को बतलाने वाला इस वीडियो में था जो कि मैंने बतलाया, और अच्छा लगा हो जरूर से जरूर मेरे या आपके समक्ष प्रयास, तो जरूर से जरूर मेरे वीडियो को फिर से आपसे निवेदन है कि लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी अभ्यर्थियों को पूरे वीडियो देखने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।